हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर फोर मैप्स। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर फोर है मैप्स। मैप्स के बारे में आपने बहुत पहले सुना होगा कि मैप्स क्या होता है ना। मैप्स मैप्स में हमें कुछ ना कुछ क्या मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है हमें? इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग पॉइंट बनाते हैं, आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा इसको। जस्ट हम अंडरलाइन करते हैं, उसी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से दिया मैप। ठीक है, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। सिंपल सा आप ये समझिए कि जैसे आपके दिमाग में पहले से भी आया होगा कि मैप क्या होता है। मैप जब भी हम कोई ना कोई मैप, कोई भी मैप हम देखते हैं ना, अर्थ का मैप छोड़िए, आप कोई भी मैप देखते हैं तो उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो मैप हमें क्या दे रहा है, हमें प्रोवाइड क्या करा रहा है? इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मैप की, तो मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। हम उसको एक डिफिनीशन अगर दें तो मैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्यों? किसी क्योंकि किसी ना किसी पार्ट का तो रिप्रेजेंट करता है ना, है ना। जैसे रोड का मैप हो गया, है ना, कहीं पर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी तो वहाँ का मैपिंग हो गया, तो वहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि कौन कौन सी बिल्डिंग कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। हम कह सकते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ किस हिसाब से बनी है, यानी कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है, ठीक है, कहाँ पर पॉन्ड है, कहाँ पर है ना, कहाँ पर प्लेन एरिया है। तो अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस कैसी है, अर्थ हमारा बाहर से दिखता कैसे है, यानी अर्थ पर क्या क्या चीजें हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करना, उसका पिक्चर आप कह सकते हैं एक तरह से। हम लोग यहां पर है ना उसको ड्रा करना, उसको देख पाना, वही हमारा मैप कहलाता है। ठीक है ना, इसमें हम सीधा सीधा अब समझेंगे कि मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। एक अर्थ सरफेस की, अर्थ की सरफेस का एक ड्राइंग होता है। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर राइट है। मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अथवा क्या है, आर अ पार्ट ऑफ अ ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के बारे में, स्केल के बारे में भी हम बात करेंगे कि स्केल क्या होता है। स्केल होता है कि जब एक्चुअल कोई चीज़ होती है और जब रियल में कोई चीज़ होती है, तो एक्चुअल और रियल के बीच में क्या होता है, उसमें अभी स्केल के बारे में जस्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, बट इट इज इम्पॉसिबल फ्लैट एंड राउंड शेप कंप्लीटली। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम राउंड फ्लैट एंड शेप को हम बिल्कुल एग्जैक्ट ले लें। ठीक है ना, यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ग्लोब में जब हम लोग ग्लोब जब लेते हैं तो हमें ग्लोब में क्या मिलता है, ग्लोब में हमें बिल्कुल ऐसा सर्कल मिल जाता है, जबकि हमारी अर्थ ऐसे बिल्कुल सर्कल फॉर्म में नहीं है, हमारी सिर्फ ऐसे ओवल फॉर्म में है। ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में, ऐसे थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, मैं आपको बताऊँ अर्थ हमारी किस फॉर्म में है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ओवल शेप में है। ठीक है, सर्कल नहीं है पूरा कंप्लीट, जबकि ग्लोब में हम लोग सर्कल पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हल्का फुल्का क्या हो जाती है, मिसिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ मैप की बात करें अगर, अच्छा सेकंड पैराग्राफ आप लोग पढ़िएगा कि मैप से और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिलती है। एक बुक आती है एटलस, ठीक है, एटलस बुक में आप बहुत सारे मैप्स बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है, एक एटलस बुक आती है जिसमें बहुत सारे मैप बने हुए हैं, उसमें कई टाइप के मैप्स हैं, उन्हीं मैप्स के बारे में हम लोग यहाँ टाइप आ रहा है। जैसे आपसे एग्जाम में अगर लॉन्ग आंसर पूछा है कि व्हाट इज अ मैप एंड एक्सप्लेन अबाउट मैप, तो आपका आंसर फिर पहले मैप बताएंगे आप, फिर उसके बाद बताएंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है एंड थीमेटिक मैप होता है। अब भाई इसी इसके बारे में समझ लेते हैं, फिजिकल मैप क्या होता है। देखिए नेम से ही क्लियर है कि फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप मतलब फिजिकल, है ना, जो उसका फिजिकल, अर्थ का जो फिजिकल है, फिजिकल क्या क्या होगा, जैसे माउंटेन है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशन है, यानी कोई ऐसा मैप जो माउंटेन्स की इन्फॉर्मेशन देता हो, प्लेटूज की इन्फॉर्मेशन देता हो, ठीक है, प्लेन्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिवर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, ओशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला मैप है तो उसको हम लोग फिजिकल मैप बोलते हैं। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई मैप जो हमें माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फिजिकल मैप। देखिए रटना नहीं है, समझिए और उसको दिमाग में बैठाइए। जरूरी नहीं कि जो एक कॉपी में, जो बुक में लिखा है वही आप एग्जैक्ट लिख कर आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल साइंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बात सही लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे उसमें। ठीक है, पॉलिटिकल मैप, अब देखिए पॉलिटिकल मैप क्या कहता है। अभी हमने कहा कि माउंटेन्स हो गया, ओशन हो गया, ठीक है, रिवर हो गया। अगर ऐसा कोई मैप बना है, कोई मैप हम देख रहे हैं जहाँ से हमें माउंटेन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे हम मान लीजिए इंडिया का ही देख रहे हैं, जैसे हम इंडिया का ही मैप देख रहे हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरावली माउंटेन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हिमालय माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सतपुड़ा है, यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन है। अगर हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, हम प्लेटूज देख रहे हैं कि डेक्कन प्लेटू है यहाँ पर,
ठीक है, हम रिवर्स देख रहे हैं कि गंगा रिवर है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर नर्मदा रिवर है। ऐसा अगर कोई मैप देख रहे हैं तो हम ये इंडिया वाला मैप कौन सा, इंडिया का तो मैप है ही, लेकिन कौन सा मैप है इंडिया का, तो हम बोलेंगे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, जैसे इंडिया तो है ही है, लेकिन अगर हम पूछें आपसे कि इंडिया का कौन वाला मैप है, तो आप बोलेंगे फिजिकल मैप वाला है सर, है ना, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होगा तो फिर क्या वहाँ से ये सारी चीज़ें दिखेंगी? बिल्कुल नहीं दिखेंगी। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में क्या दिखेगा? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में जैसे हम इंडिया फिर से हम बनाएंगे, जैसे हम बनाया इंडिया फिर से बनाया हमने, ठीक है, ये बन गया इंडिया आपका, ठीक है, इंडिया इंडिया का मैप बन गया। अब इसमें माउंटेन नहीं दिखेगा, रिवर नहीं दिखेगा, ठीक है, ओशन नहीं दिखेगा, तो उसके प्लेस में अब क्या क्या दिखेगा हमें? हमें अगर दिख रहा है क्या कोई शहर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए दिल्ली दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है मुंबई दिख रहा है, हमें दिख रहा है कोलकाता दिख रहा है, हमें चेन्नई दिख रहा है, हमें अगर ऐसे शहर दिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर हमें सिटीज दिख रहे हैं, विलेज दिख रहे हैं, टाउन्स दिख रहे हैं, अगर ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक, स्टेट दिख रहे हैं हमको, हमको स्टेट दिख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है ना, ये यहाँ मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, अगर हम है ना, ये इधर तमिलनाडु है, अगर हमें ऐसे स्टेट दिख रहे हैं, तो फिर वो मैप कौन सा कहलाएगा? पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो जहां पर आपको माउंटेन्स ना दिखे, रिवर्स ना दिखे, ठीक है, और ये सब चीजें ना दिखे, उसके बदले में क्या दिखे, हमें क्या क्या दिखना चाहिए विस्तृत, हमें वॉच, हमें अगर हमें ये सब हम वॉच कर पा रहे हैं कि स्टेट हमें दिख रहा है कि ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, स्टेट्स की इंफॉर्मेशन कोई दे रहा है, तो उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए मुझे। पॉलिटिकल मैप जरूर बताइएगा, पॉलिटिकल मैप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल सा है, याद हो जाएगा, अपनी लैंग्वेज में नोट कर दीजिएगा, ठीक है सर। व्हेन वी टॉक अबाउट द, है ना, टाउन्स, विलेज एंड कंट्रीज, स्टेट्स, सो देन विल बी कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। हम फुल में फुल मार्क्स देंगे आपको अगर आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है, डोंट, आप बिल्कुल बुक की बातों को समझिए और दिमाग में बैठाइए क्या होता है पॉलिटिकल मैप थीमेटिक में, सब सबके बारे में बस वाट लगाइए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, बस इतना इतना अगर आप सबने सबने सब कुछ ये समझ लिया कि ये क्या होता है, ये कौन है, है ना, इनका नाम क्या है, अगर आपने इतना समझ लिया तो जस्ट आप जरूर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे आता है थीमेटिक मैप। अच्छा, थीमेटिक मैप क्या है? थीमेटिक मैप सम मैप्स फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो रही स्टेट की बात कि हम स्टेट समझ लिए, है ना, सिटी समझ लिए, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि हम रिवर्स की बात करें, माउंटेंस की बात करें, हमने ये समझ लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि किसी एक विशेष, है ना, किसी एक विशेष प्लेस की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम थीमेटिक मैप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें किसी रोड के बारे में जानकारी लेना, अब हमें पूरे इंडिया में रोड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब पूरे इंडिया में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पूरी रोड के बारे में, कि यहाँ से ये रोड यहाँ पर ये जाती है, यहाँ पर ये रोड ये है, यहाँ से, अब पूरी इंडिया में हम रोड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पूरे इंडिया में रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी किसी एक प्लेस के बारे में, एक थिंग्स के बारे में जब हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड अ थीमेटिक मैप्स। सिंपल सा है, इसकी डिफिनेशन भी आप समझ सकते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल, रेनफॉल होता है ना, जैसे टीवी में आता है, दिखाता है रेनफॉल कहाँ कहाँ पर हुआ, दिल्ली में रेनफॉल कहाँ हुआ है ना, आज बारिश इधर यहाँ अधिक होने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं ना, थीमेटिक मैप दिखाते हैं ना, कोई पिक्चर दिखाते हैं वहां पर बारिश होती रहती है ना, याद करिए, जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको समझ में आता होगा, है ना, इसलिए थोड़ा बहुत न्यूज़ भी देखना चाहिए आप लोगों को, है ना, टीवी में बस हमेशा कार्टून और ये सब सीरियल्स सब देखते रहते हैं आप लोग, मूवीज, है ना, थोड़ा न्यूज़ भी देखा करिए अपने पेरेंट्स के साथ में। तो देखिए, रेनफॉल मैप्स हो गया, स्विंग, तो रेनफॉल ये सब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, एटी से, ये सब क्या होता है, थीमेटिक मैप कहलाता है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ मैप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, ये क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या हो गया भाई, अब ये मैप का कंपोनेंट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर मैप, मैप को बनाने में, मैप का जब बनता है मैप, एक छोटा सा आप देखते होंगे कि इतना बड़ा मैप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, कैसे दे देता भाई, इसका मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उसमें, ठीक है ना, जब छोटे छोटे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं। जैसे हमें हमें पता करना है कि इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया से चाइना का डिस्टेंस कितना, इंडिया से अगर हम बात करें कि अफ्रीका का डिस्टेंस कितना है, तो हम डिस्टेंस कैसे मैप में ही पता कर लेते हैं, तो ये कैसे पता हो जाता है, इसका मतलब बहुत सारे वहाँ पे क्या होते हैं, टूल्स जैसे होते हैं, ठीक है ना, वही कंपोनेंट्स उसमें डिस्टेंस दी होती है, और उसी डिस्टेंस हम लोग इंडिया से अफ्रीका लेके बिल्कुल मेजरमेंट करने थोड़ी निकल जाते हैं कि चलो मेजरमेंट करते हैं, है ना, मेज़र करते हैं कि इंडिया से अफ्रीका कितना दूर है, ऐसा नहीं करते, मैप से ही हम लोग समझ लेते हैं, है ना,
बैठे बैठे एक मैप से सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो डिस्टेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। अब समझिएगा डिस्टेंस कंपोनेंट है किसका, मैप का, और दिमाग में रखिएगा कि डिस्टेंस का क्या यूज हो सकता है मैप में, डिस्टेंस भी कौन सा कंपोनेंट है। तो देखिए पढ़ते हैं, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट फिट ऑन अ सीट ऑफ ए पेपर। मैप में क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, इससे होता क्या है, विच रिड्यूस एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट इट फिट सीट ऑफ पेपर, यानी एक ही सीट के पेपर के एक सीट में हम लोग पूरा पूरे वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल, इसका मतलब ये होता है कि जो मैप्स होते हैं ना रिड्यूस द स्केल, है ना, ये स्केल को क्या करते हैं रिड्यूस। बिकन से हम कह सकते हैं कि जो मैप्स बनाए जाते हैं टू रिड्यूस द स्केल्स, ठीक है, दूरी को, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यानी बहुत बड़ी बड़ी दूरी है, अमेरिका है फिर इंडिया है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो रिड्यूस की जा रही है तो वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली डिस्टेंस की जाती है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज रियल। ऐसा लगता है कि डिस्टेंस बिल्कुल रियल है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रियल है, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल, अच्छा ये पॉसिबल कैसे होता है, वेन अ स्मॉल डिस्टेंस, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा कि वेन अ स्मॉल डिस्टेंस, जब कोई छोटा सा डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड पर बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम लोग रियल पे ला रहे हैं तो कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, ठीक है। तो देयर फॉर अ स्केल इज चूजन, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, स्केल इस्तेमाल होता है, क्या होता है स्केल। अब देखिएगा स्केल का इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट पैराग्राफ आगे बताऊंगा आपको। अब देखिएगा स्केल क्या होता है, आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि वट इज अ स्केल, स्केल के बारे में डेफिनेशन यहाँ से देंगे आप, ठीक है। अब देखिए स्केल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस वाले कंपोनेंट में स्केल यूज होता है, सिंपल सा डिस्टेंस वाले फॉर्म में स्केल यूज होता है। अब देखिए स्केल क्या होता है, आपके यहाँ भी स्केल होती है ना, आप लोग भी स्केल यूज करते हो ना, बस थोड़ा बहुत समझ सकते हैं आप उससे, है ना, कि आप एक लंबी से डिस्टेंस स्केल के थ्रू मेजर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्केल का क्या रोल है, स्केल इज द रेशियो, स्केल एक ऐसा रेशियो होता है, मतलब बीच का औसत औसतन होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जैसे अमेरिका है और ये इंडिया है, इनके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो तो बहुत दूरी है ना, मेजर करने जाएंगे तो पता नहीं कितना, है ना, कितना समय लग जाएगा, है ना, तो उसमें कोई, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर एक्चुअल डिस्टेंस होती है, तो क्या होता है, द डिस्टेंस ओन ऑन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, एंड द डिस्टेंस ओन ऑन द मैप, और जो डिस्टेंस होती है वो मैप पर दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे, जैसे द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, जैसे आपके डिस्टेंस, आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है और आपके घर का, है ना, योर होम, कितना है, 10 किलोमीटर, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर आपके घर का और आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी मैथ आती होगी ना वो भी समझ जाएंगे, काम चल जाएगा। इफ़ यू सोट दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, आपने पहले ही बता दिया, जैसे आप एक मैप बना रहे हैं, सिंपल सा है, रिप्रेजेंटेशन का खेल है केवल, सिंपल सा आप ये समझिए, जैसे आपने एक मैप बनाया, ये आपने कुछ भी मैप बनाया, आपने यहाँ पहले ही मैप में लिख दिया कि 10 किलोमीटर इक्वल कितना, 2 सेंटीमीटर, तो अब आप समझ जाइए कि 10 किलोमीटर इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 5 किलोमीटर, सिंपल सा है। अगर आपने कह दिया कि हम भाई डिस्टेंस कैसी ले रहे हैं, हम डिस्टेंस ले रहे हैं कि जो 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हम किस में काउंट कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर में काउंट कर रहे हैं, होता नहीं है ऐसा, बट सपोज कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर वाली जो 10 किलोमीटर की दूरी हम 2 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। अब स्केल जो आपके घर में, आपके पास जो स्केल है, आपके पास भी जो घर में स्केल है, उसमें आप 2 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर कितना थोड़ा सा ही तो होता है, इतना कम से कम, इतना भी, इससे भी कम, 2 सेंटीमीटर होता है, इतना ही होता है ना, लेकिन इसको हम किस में दिखाएंगे, 10 किलोमीटर में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, 10 किलोमीटर। अब तो सोचिए कि अगर इसको हम 10 किलोमीटर में दिखा सकते हैं, तो जैसे आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई आपका गांव है, किसी दूसरे का गांव है, तो हम बड़े आराम से किसी एक दो गांवों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बड़े आराम से अपने मैप में दिखा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर के कुछ बना देंगे, बता देंगे कि भैया ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का आप क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना 5 से, 5 × 5 = 25, तो 25 किलोमीटर हो जाएगा, सिंपल सा है, समझ में आ गया कि नहीं। तो देखिए इसमें भी वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी द 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर, दस द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं यहाँ से, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, दोनों ही थोड़ा उल्टे होते हैं, नाम है स्मॉल लेकिन लार्ज वाले से आपको कम और स्मॉल वाले से आपको थोड़ा ज़्यादा, है ना, इसलिए लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है वो आप समझिएगा, इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रही है।
वे इन अ लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज, दिमाग में सिंपल सा याद रखने वाली बात जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वे इन अ लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गया, कंट्रीज हो गया, है ना। तो जब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल स्केल वाला मैप, याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी गांव की बात करें, विलेज टाउन की बात करें, तो हम कौन सा मैप इस्तेमाल करेंगे, लार्ज स्केल मैप याद करेंगे। बस सिंपल सा इतना ही याद कर लीजिए कि जब किसी पेपर पर हमें किसी विलेज को दिखाना हो तो लार्ज स्केल मैप, जब हमें किसी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज को दिखाना हो तो वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज होते हैं ना, बहुत सारे कॉन्टिनेंट होते हैं, इसलिए छोटा छोटा स्केल लेते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम लोग इतने सारे कंट्रीज को कैसे दिखा पाएंगे, सिंपल सा है, इसीलिए स्मॉल, समझ में आया। लेकिन जब किसी गांव को दिखाना है एक विलेज और टाउन के बीच में, तो वहां पर तो विलेज के अंदर की बहुत सारी बातों को भी दिखाना होगा, ठीक है। तो हम लोग बड़े आराम से एक ही विलेज के अंदर की बात करें तो बड़े बड़े लार्ज स्केल मैप ले सकते हैं। अब रिजल्ट क्या आया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये बात अलग हो गई कि किस मैप से हम क्या सीखते हैं। स्मॉल स्केल मैप से हम कॉन्टिनेंट कंट्रीज के बारे में सीखते हैं, स्मॉल स्केल मैप से हम कॉन्टिनेंट कंट्रीज के बारे में, जबकि लार्ज स्केल मैप से हम विलेज के बारे में सीखते हैं, विलेज के बारे में जानते हैं, टाउन के बारे में। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कौन देता है, स्मॉल स्केल मैप की लार्ज स्केल मैप, तो आप बोलेंगे लार्ज स्केल मैप। क्यों? क्योंकि आप एक गांव के अंदर की सारी चीज़ें जान जाएंगे कि कहां पर पॉन्ड है, कहां पर रिवर है ना, कहां पर बिल्डिंग बना, कहां पर टेम्पल है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, आप समझ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, वहाँ पर तो केवल आप यही समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर अमेरिका है, बस इतना ही समझ रहे हैं ना आप लोग स्मॉल स्केल मैप में। लेकिन एक विलेज के अंदर की आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लार्ज स्केल मैप का आप लोग यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। ओके।